सत श्री अकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। गुरबाणी कहती है पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। पवन यानी कि हवा, पाणी यानी कि जड़ा आपां पीने जो कुछ भी, तो उसनू पिता का रूप दिता गया, तो धरती नू माता का महत्व दिता गया, माता का दर्जा दिता गया। इस वेले सारिया चीज़ों के जड़ा पोल्यूशन है, प्रदूषण प्रदूषित हो चुकिया ने चीज़ा, तो इस लैके दुनिया भर के एक बड़ी डिबेट, एक वड्डी जड़ी आ वो चर्चा छिड़ी हुई है। तुसी जड़ा ये जंतर देख रहे हो इस टेबल दे उत्ते पिया, अज दी इस वीडियो का मुख रूप होएगा, केंद्र बिंदु होएगा। इस यंत्र राही असी एक अजिहा खुलासा करन जा रहे हैं जिस नूं जानन तो बाद तुहानू बहुत सारिया चीज़ां दे संबंध विच सोचण नूं मजबूर होना पैना। ध्यान नाल देखो इस यंत्र नूं, इहदे उत्ते 400 तो उपर एक डिजिट चल रही है, तो उस दे नीचे जिहड़ा वो 45-46 ते टैंपरेचर भी नाल चल रहा है। ये तीन चीज़ां एक जिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां कि साडियां अखां खोलण लई काफ़ी ने, ये हर जगह दे उत्ते जाके बदल जाणगियां। किवें साडी जिंदगी दे उत्ते असर पै रहा ते उस नूं ये विखा रहियां ने, आपां साडे नाल मौजूद डॉक्टर वरिंदर सिंह होना तो जानकारी लैने। डॉक्टर साहब, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी और सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, थोड़ा जिहा पहलां ये यंत्र दे बारे तुसीं खुलासा करोगे? यंत्र जिहदा कि नाम है एयर क्वालिटी डिटेक्टर मीटर है, जिहड़ी हवा की क्वालिटी है उन्हूं एक साइंटिफिकली रूप दे विच, एक आंकड़िया दे विच उहदी जो कैमिकल भाषा हुंदी है उन्हूं एक्सप्लेन करदा है। जिवें कि आपां ऑक्सीजन लैंदे और कार्बन डाइऑक्साइड छड्डदे आ, उस तरीके होर भी जिहड़ी इह चीज़ां हवा का हिस्सा बन जांदियां ने, और उस कार्बन डाइऑक्साइड नूं दरख्त लैंदे ने और दैन फिर ऑक्सीजन कन्वर्ट करके आपां नूं फिर दिंदे ने, एक साइकल आ गया। उस तरह हवा दे विच होर भी बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड होंदे ने, जिवें हार्ड कंपाउंड होंदे ने, थोड़ा पॉइजन वाले एयर कंपाउंड होंदे ने, वो हिस्सा जिहड़ा बनदे उहदी प्रॉपर डिटेल दिंदा है, जिहनूं हजार्डस एयर पोल्यूशन भी कह दिंदे ने। मीनस अगर अपने नियर डियर कोई फैक्टरी है तो उत्थे तरह तरह दी गैसां रिस दियां ने। हुण क्योंकि कैमिकल्स नूं लैके ये विशा अलग चले जांदा, टैक्नीकल चले जांदा, बेसिक विशा नहीं है, इस करके लेमैन और आम लोग ईवन सिर्फ उन्होंने लोगों को पता जिहड़े इस प्रोफेशन नूं बिलोंग करते होंगे, क्योंकि इन्हूं पढ़ते भी उही लोग ने जिहड़े बहुत चुनिंदा लोग थोड़े बहुते। लेकिन मैं समझदा कि अज दी जिहड़ी इह दुनिया हैगी आ इह विज्ञानिक युग है, तो विज्ञानिक युग दे विच एक बहुत वड्डा रोल कैमिकल्स का चल रहा है, क्योंकि कैमिकल्स की अलग अलग रूप दे विच जो खोज हुंदी आ और साइंटिस्ट नूं उहदी समझ आउंदी आ भी आ इस तरह का कैमिकल है, दैन फिर उहदे रिएक्शन और एक्शन दोनों ही चैक किए जाते हैं, और किहड़े किहड़े कैमिकल नाल रिएक्शन करदा, किहड़े नाल एक्शन कर सकता है, उन्हों लैके फिर एक्सपैरीमेंट किए जाते हैं। लेकिन जो वो एक्सपैरीमेंट्स होंगे ने जिहड़ा कुदरती जीव ने उन्हों का शोषण और टॉर्चर हो जाता, और उन्हों के उत्ते मतलब एक हिडन कह लो, एक छुपे हुए रूप दे विच जाने अनजाने नाल एक टॉर्चर भी होने लग पैंदा। और जिहड़े कुदरती जीव जिन्हां नूं इस चीज़ का पता ही नहीं हुंदा, लगता हैगा कि उन्हां नाल इह हो क्यों रहा, कौन कर रहा, इहदे विच कुछ नज़र नहीं आउंदा। सो इहदे विच सब तो एक जरूरी हिस्सा साडे जीवन का है, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान सारे ही जिन्हों नेचर ने बनाया हैगा, उन्हां लई सब तो जरूरी हिस्सा आ जांदी हवा। तो अज असी कंक्रीट हाउस दे विच सारे रहने हैं, उस कंक्रीट हाउस दे विच रहन करके एक तो जिहड़ा उहदे अंदर मटीरियल यूज़ हुंदा है, हुण देखो जे सीमेंट की गल करांगे तो भी एक कैमिकल कॉम्बीनेशन है, जे साडे घर दे विच यूज़ होण वाला पेंट है तो भी कैमिकल कॉम्बीनेशन। इस तों अलावा अगर साडे एक एसी लग्या होया वो भी एक
गैस उसे अगर वर्क करी तो भी कैमिकल कॉम्बीनेशन है। अपने घर के एल ई डी लगी हुई है वह जो पैनल है वो ट्यूब्स ने अंदर भी कैमिकल कॉम्बीनेशन है। अपने ट्यूब जग रही ने जिन्होंने आप बल्ब कह दें लाइट वास्ते वह भी एक कैमिकल कॉम्बीनेशन है। तो कैमिकल की दुनिया च रह के सानू कैमिकल का ही ज्ञान बेसिक ज्ञान लेना बेशक एक इस हर बंदे लिए सौखा नहीं होएगा, पर असी इस धरती ने इन्ना औखा कर दिता है कि जीवित रहने लिए स्ट्रगल करना पै रहा। अगर आप अज ये वीडियो बना रहे हैं तो मैं कोई कैमिकल दा ना तो विद्यार्थी रहा ना ही मैं कोई कैमिकल का साइंटिस्ट है, लेकिन कैमिकल का एक बेसिक ज्ञान अलग होंगे टैक्निकल ज्ञान अलग होंगे। बेसिक वो जो असी कॉमन साइंस पढ़िया होंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये सारी चीज़ें सब ने पढ़िया ने कार्बन का साइकिल की है पढ़िया होया ठीक है। अगर कार्बन का लैवल वधदा ऑक्सीजन का लैवल घटदा सब को पता है पीएच हवा च पीएच लैवल घटदा है सानू एक बेसिक ज्ञान है। तो इस बेसिक ज्ञान को अज के विज्ञानिक युग के वधाउणा आम बंदे के खाने तक पाउणा उहदी समझ तक पहुँचाउणा उहदी भाषा दे विच उहदा एक नवेकला आपां एक नवीं शुरुआत कह सकांगे क्योंकि अज तो पहले सबजैक्ट आप कभी नहीं बोले। लेकिन इस बार क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई सी ना उदों ही ग्लोबल लैवल पर जोड़े ग्लोबल वार्मिंग दे अगेंस्ट बोलन वाले चेहरे ने उन्होंने उदों ही कह दिता सी कि ये जी वॉर है इहदा क्योंकि ऑलरेडी धरती ग्लोबल वार्मिंग की मार दे थल्ले आ ऑलरेडी जी ओजोन परत है वह एक वीक होने वाल जा रही हैगी है। तो इन्ना कुछ क्योंकि असी पहले ऑलरेडी धरती नू एक कार्बन का गोला बना चुके हैं एक इंडस्ट्रियल रूप दे विच अगर कितने भी वॉर लगती है हुण चाहे रशिया यूक्रेन अपने तो कई हज़ारा किलोमीटर दूर है लेकिन हवा तो नहीं ना दूर साढ़े तो हवा तो सर्कुलेट होंदी है ना तो हवा के अंदर बहुत सारे वो कण ऐड होके तुहाडे मौसम तुहाडे एटमोसफेयर ते इफेक्ट करते हैं। इस वारी जो गर्मी एक महीना पहला शुरू हुई तो कोई कारण तो है ना इस वारी जो फसलों का झाड़ घटिया रीजन वो गर्मी समय तो पहला आ गई फसलों के अंदर बीज नहीं डिवेलप हो पाया फसलों के अंदर झाड़ ही डिवेलप नहीं हो पाया ठीक है। तो वो इफेक्ट फसलों च नहीं गया होएगा वो इफेक्ट उन्होंने जीव च भी गया होएगा जिन्होंने अगर बच्चे को जन्म देना होंगे। तो इस तरह ये चीज़ा इन्ना क हिडन वे इफेक्ट कर जांदियां ने कि आम बंदे की समझ तो थोड़ा परे होंदियां ने बाहर होंदियां ने और हमेशा ही जिहड़ी चीज़ इंसान नूं समझ नहीं लगती उत्थे असी एक बहुत अच्छा एक लेबल बनाया होया है कि ये रब की मर्जी है शायद इस बारे रब जानता है कहटिंग। सो जिनी परमेश्वर ने सानू सूझ समझ दी हैगी यूज़ करके सानू दी तह तक जाने की जरूरत होंगी जे नहीं नहीं जावे तो असी हनेरे दे विच शोषण का शिकार हो जाने सानू पता भी नहीं होंदा कि साडे नाल इन्ना माड़ा हो रहा तो हो कौन कर रहा किवें हो रहा क्यों हो रहा ठीक है। तो उस चीज़ की एक शुरुआत है कि आप दर्शकों अपने जुड़े हुए परिवारों अपने नाल जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने उन्होंने ये कैमिकल्स के बेसिक जो रूल ने कैमिकल्स के रिएक्शन तो एक्शन सिंपल करके सिंपली भाषा के उन्होंने समझा सकी और ये सानू ये समझ आ सके कि बीमारी का रोल मैं अक्सर कहना होना है कि असी खाना तीन टाइम खाने तीन टाइम खाने वाले खाने लिए असी इन्ने कॉन्शियस हाँ असी कहने जी जमीन भी ऑरगैनिक होनी चाहिए है उत्ते फसल भी ऑरगैनिक होनी चाहिए है अगर अस दुध पीना तो देसी गां का होना चाहिए है मीनस जिहड़ा फूड वाला आइटम आ खाने वाली आइटम जी सिर्फ तीन टाइम खानी है उहदे लई बहुत कॉन्शियस आ बहुत आप बहुत वीडियो बनाने। लेकिन जिहड़ी हवा है इहनू दिन च आपां 21,000 तो भी ज़्यादा वारी खाने हैं तो इहनू लै के मतलब असी कुछ सोचना नहीं चाहते जे हवा ही पोल्यूटेड है तो तुहाडी ऑरगैनिक खाधी की सब्जी किस काम की क्योंकि तुहाडे अंदर कार्बन का लैवल वधी जा रहा है तो वो ऑरगैनिक पैदा की कि सब्जी भी कोई तुहानू जीवन जिंदगी नहीं दे सकती क्योंकि सब तो इनिशियली हैगी हवा सब तो जरूरी हैगी है हवा। तो हवा दे अंदरा ही जो चीज़ा जहर बन के साडे जीवन का हिस्सा बन रही ने तो ऑक्सीजन नू खत्म कर रही ने साडी धरती तो ऑक्सीजन नू खत्म कर रही ने साडी बॉडी च ऑक्सीजन नू खत्म कर रही ने
तो कार्बन का गोला बने हुए इस धरती तो विचों साढ़े अंदर किन्ना कार्बन इकट्ठा हो रहा और असी किन्ना रिलीज़ कर रहे हैं उन्होंने एबजॉर्ब करने वाले सोर्स असी घटाते ने गेटिंग तो वो एक उन्होंने डिटेक्ट करने उसका एक मेजरमेंट करने साढ़े दिमाग में एक दिशा देने तो समझ बधाने एयर क्वालिटी डिटेक्टर मीटर आप रखा है जिहड़ा पीपीएम के दसता है CO2 जिसके उपर लिखा है वो कार्बन क्वालिटी दसदा मीन हवा के कार्बन किन्ने है PPM वो दसदा और नीचे दिता है TVOC मतलब वेलाटाइल एयर कंपाउंड ऑरगैनिक कंपाउंड होंगे ने जेडे कि ये लगा लो कि अगर कोई चीज़ आप वाष्पीकरण कह दें फॉर एग्जाम्पल किचन के पानी बॉयल करना रख्या होया उस पानी दे अगर तुम कोई जहरीली चीज़ ऐड कर दी है लेकिन बॉयलिंग पावर के नाल भाफ बन के हवा मिक्स हो रही है तो वह वोलेटाइल ऑरगैनिक कंपाउंड के रूप के डिटेक्ट करेगा मीनस अगर अपने नज़दीक कि फैक्ट्री है जिद कुछ इस तरह का वाष्पीकरण करके कोई प्रोसैस होंगे वो अगर कोई जहरीली चीज़ें यूज़ की जाने उस फैक्ट्री के अंदर तो हो ही नहीं होंदिया ने लेकिन उस तो इलावा वह जिन्ना परसेंट हवा का हिस्सा बन दिया ने उन्होंने भी डिटेक्ट करता है उस तो बाद हजार्डलैस यदा है एयर पोल्यूशन जिहड़ा लैवल है मीनस कुछ जहरीली गैस अगर रिसदी है किते भी उन्होंने भी डिटेक्ट करता है दैन फिर ह्यूमिडिटी जो लैवल है और जो टैंपरेचर है क्योंकि इस टाइम तो आप एसी कैबिन बैठे हैं तो इतने अलग दिखा रहे हैं गर्मी सो ये सानू यह समझ आ जाएगी कि जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग और जिहड़ी असी गर्मी त्राह त्राह करते पे हाँ ये कारण की ने ते इहदे हल की ने आप नॉट ओनली कि कोई डरा नहीं रहा किसी नू जो सच वो दिखा रहे जे कारण है उहदा हल भी लभना पएगा तो काम करना पएगा और मैं तुहानू भी दस दिंदा वो जिहड़े हल है नेचर ने दिते आ अगर असी उन्हां वल आ जाने ग्लोबल वार्मिंग ते कंट्रोल हो जा सकता इस तपस ते कंट्रोल हो सकता कार्बन की मात्रा घटाया जा सकता कंट्रोल किया जा सकता लेकिन ये इस धरती से जिंदा रहने वाले एक लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है फिर जाके ये वाली गल असी हर घर आने वाली पीढ़ी को समझा पावांगे आई थिंक जिस तरीके नाल मैं लास्ट ही पढ़ रहा सी तां उहदे विच दित्ता सी कि आने वाले कुछ सालों के हर साल जो गर्मी का लैवल है टैंपरेचर है वो 1 तो 1.5 डिग्री वध जाया करेगा तो यह मतलब अग का गोला तो बन गया हुण असी ये हाले लभना है कि अग की गोले को ठंडा किवें करना तो अच्छा ठंडा किवें करना उस तो पहले यह हल लभना पैगा कि इस अग को कंट्रोल किवें करना उस तो बाद ठंडे वल चलांगे सो ये कार्बन लैवल आ जिहड़ा जो इस टाइम ते धरती कार्बन का गोला बन गई है तो असी अपने घर में भी कार्बन का गोला बना के रख्या होया उन्हूं डिटेक्ट करेगा उन्हूं डिटेक्ट करेगा ये जिथे ले जावे उ अलग अलग तरीके डिटेक्ट कर लग जाता है जी जो उतो का माहौल है जो हवा दे विच कंपाउंड ने जो उहदे विच कार्बन लैवल है उस एरिया दसेगा जिवें अपने घर के मोस्टली की हुंदा है सब तो ज़्यादा जो कार्बन कॉर्नर साढ़े घर का वो किचन है इस टाइम पर किचन दे विचों बंदे ठीक नहीं हो रहे बीमार हो रहे नैचुरली है LPG हुण सब्जेक्ट दे नाल सब्जेक्ट जुड़ता जाता है LPG एक फ्यूल है ईंधन है तुहानू याद होएगा कि आप उन्हां घरों चों आए हैं सारे देखने वाले भी एग्री होणगे जिहड़े जिन्हां दे घरां च पहलां कितें लक्कड़ बलदी सी जां गोबर दी जिहड़ी पाथी है वह बलदी सी हुण वह साडा मेन ईंधन हुंदा सी बालण हुंदा सी अज पूरे विश्व की जिहड़ी इकोनमी है वह बालण ते राज करके पूरे विश्व नूं हैंडल करन जिहड़े भी देश वह बालण ते बालण नूं कैप्चर कर रहे ने ईंधन नूं कैप्चर कर रहे ने वह देश की जिहड़ी इकोनमी लैवल है उहदी करंसी की जिहड़ी रिस्पैक्ट है वह बाजार च बहुत उपर चल जाती है की कारण है कि जिथे दो खूह मिलते अमेरिका उत्थे बंब सुट्टन लग पैंदा
ठीक है, एवें नहीं, क्योंकि पता है कि जो बालन पर कब्जा हो गया, बालन तो बिना तुम घर चला ही नहीं सकते, बालन तो बिना तुम गड्डी नहीं चला सकते, बालन तो बिना तुम्हें बिजली नहीं तैयार होनी। तो पूरी पूरी की पूरी विश्व की जी मार्केट है, मंडी है, करंसी है, इकोनमी लैवल है, फाइनैशली स्टेटस है किसी भी कंट्री का, वो बालन के उत्ते किन्ने परसेंट बालन से राज आता वो उत्ते खड़ी है। लोग कहते जी गोल्ड किन्ना उत्ते खड़ी, अज नहीं गोल्ड तो हैगी किसी की मार्केट, अज बालन तो किन्नी कैप्चर कैप्चरिंग हैगी तो उत्ते खड़ी हैगी है। ठीक है, मैंने तुम खुद दसो थोड़े घर अज अपने घर एल पी जी गैस खत्म हुई हो तो तुसी रोटी की बुरकी मूँह पाउन लगे तो मैसेज गैस मुक गया तो तुम दूसरी बुरकी नहीं पा सकोगे। पता है कि हमने ही तुड़ तो बाद बच्चों ने भी रोटी खानी, जो होर परिवार मैंबर रोटी खानी, सिलेंडर ही नहीं होएगा किमें बलेगी। तो सारे काम रोक के जां ईवन तुसी बाहर भी होवोगे घर तो घर गैसट आए होने, जां गैस सिलेंडर खत्म होंदा तुहानू कॉल जांदी है, तुसी तो अरेंजमेंट कर दिओ जिवें मर्जी कर दिओ, आंढी गुआंढी आपां किसे पुछदे आ ना अरेंजमेंट कर दे, क्यों सब तो इनिशियली इंपॉर्टेंट चीज़ है उस घर की। ठीक है, और यही जिहड़ा बालण है इहदी क्वालिटी देखो ये दो तरीके दा है, एक वो हिस्सा बालण दा जिहड़ा धरती दी उपर सी, ठीक है, जिवें लक्कड़ हो गई, गोबर हो गया, घा फूस हो गया, अज साडे घरां च वो हिस्सा जो धरती दे थल्लों आ जिहनूं फॉसिल फ्यूल्स कहिंदे ने, ठीक है, उस च पेट्रोलियम चीज़ां आ जांदियां ने, एल पी जी गैस आ जांदी, जो कुछ भी थल्लों निकल रहा सारा फॉसिल फ्यूल्स है। हुंदा की है जिहड़ी पहले लक्कड़ मचदी सी, गोबर मचदा सी, वह भी मच के कार्बन च कन्वर्ट हुंदा सी, ते जेड़ा अज असी फॉसिल फ्यूल्स नू बाहर कढ़ के उन्हूं बाल रहे हैगे वह भी कार्बन च कन्वर्ट हो रहा है। दोनों च अंतर की हैगा, दोनों च अंतर हैगा कि जेड़े धरती तो उपरला फ्यूल सी बालण सी जदों असी उन्हूं बालदे हाँ तो वह नेचर ने भी एक कार्बन साइकल बनाया होया, असी इहनूं बालिया कार्बन बनी, वह दरख्तों ने लई हजम की सानू ऑक्सीजन देती, असी नू बालिया कार्बन बनी दरख्तों लई हजम की ऑक्सीजन देती। दो चीज़ा हो रही ने, एक तो धरती तो उपरला जिहड़ा बालन सी वह बंद हो गया, यूज़ करना बंद करता, और उन्होंने कह के बंद किया गया कि ये पोल्यूशन बढ़ रहा। ठीक है, ये चीज़ नोट करने वाली है कि उन्होंने कह के बंद किया गया ये पोल्यूशन होंगे, फिर फॉसिल फ्यूल्स वधाते, एल पी जी गैस आ गई, पेट्रोलीयम आ गया, ठीक, कैरोसीन यूज़ करना शुरू करता जो थलों ही निकल रहे सारे, तो उन्हें शुरू किया गया। हुण एल पी जी गैस में शुरू इस करके कि कोई धुआं नहीं हुंदा, यही कह गया ना धुआं नहीं हुंदा, पर एल पी जी गैस जो कार्बन दे विच कन्वर्ट हुंदी है, सब तो पहले नेचर दे कार्बन साइकल का हिस्सा ही नहीं हैगी, जिहदे करके इहनू इहदी अबजॉर्प्शन जिहड़ी है धरती दे बहुत घट है, तो ये एक कार्बन की मात्रा एक्सैस हो जा रही है, इनू अब्जॉर्ब करने वाले दरख्त है वो तो असी खत्म कर दते, तो फॉसिल फ्यूल्स जोड़ा वो बल बल के कार्बन का गोले कन्वर्ट हो जाता, और जो कार्बन के कन्वर्ट हो जाता है तो हीट वधी जा रही हैगी। ठीक है, हुण इंपोर्टेंट चीज़ की हैगी है कि यदा धुआं तो नहीं, स्मैल भी नहीं, जो आप घर एल पी जी ऑन करते हैं तो अग तो बाद देखते भी गैस की स्मैल तो नहीं आती, नहीं आती, लेकिन जी बल गई है वो भी स्मैल नहीं, लेकिन उस कॉर्नर वो एक हार्ड कार्बन दे कन्वर्ट कर देती है जिड़ी कि नेचर दे कार्बन साइकिल का हिस्सा ही नहीं होंगी। ठीक है, जे बन भी सकती होंगी तो वो दरख्त चाहिए ने, मैं दसो कितने किनिया, अगर सर 50 कोठियां बनिया ने कलोनी दे विच तो मैं दसो 50 दरख्त है उन्होंने कोल, तो हर कोठी दे विच रेगुलर बिन नागा एवरेज 1 घंटे तो लैके 3 घंटे कार्बन एल पी जी उत्थे कंज्यूम होंदी है, तो उहदा कंज्यूम होने तो बाद बनिया कार्बन कित्थे गया, क्योंकि जिन्हें अबजॉर्ब करना सी तो दरख्त ही नहीं हैगा उत्थे, और दूसरा नैचुरल कार्बन साइकिल का हिस्सा नहीं, क्योंकि जमीन के थलों कढ़िया होया बालण, वो साडे घर के कॉर्नर दे विच ही कार्बन का गोला पिया रहिंदा, और उहदा लैवल जदों तुसीं देखोगे हैरान हो जाओगे, अखां टडियां रह जाणगियां, और ये उहदा जिहड़ा पी पी एम लैवल इन्ना ज़्यादा हाई है साडे घरां दे विच कि जिहड़े रोग ने वो तुहानूं अपने आप समझ आ जाने ने, क्योंकि कार्बन ते ऑक्सीजन इन्ना बेसिक सारे ने पढ़िया होया, जो तुहानूं पता साडे घर दे इस गुट च इन्ना कार्बन, क्योंकि दिख नहीं रहा तो उहदी एक महक नहीं आ रही, बहुत सारे कैमिकल्स होंदे ने जिन्हां दी बहुत सारे गैंसां ने इस तरह जिन्हें बलन तो बाद महक ही नहीं हैगी, कोई स्मैल ही नहीं हैगी, इहदा मतलब ये तो नहीं है कि उन्हां दा असर नहीं है, तो उहदे च ये भी एक हिस्सा है। सो
इस मीटर के नाल आप जिमें कि आप इस रूम च बैठे हुए हैं इस टाइम 400 के नियर अबाउट दस रहे जिहड़ा CO2 कार्बन लैवल है हुण इहदे च एक सबजैक्ट एक चीज़ होर ऐड हो जाती है नेचर ने जिहड़ा कार्बन साइकल बनाया और हुण तक LPG आउण तो पहला मीनस LPG किहड़े सन चाहिए कोई आइडिया होएगा तुहाडे कोल चलो आप 80 मान लैंदे आ ठीक है तो जदों तो LPG नहीं सी ता मतलब कोई यह तो है नहीं कि 500 साल पुरानी गल नहीं ना हैगी ठीक है जो LPG नहीं सी तो जो साढ़े धरती तो उपरले बालण यूज़ किए जाते सी उदों पूरी धरती का जिहड़ा PPM लैवल सी कार्बन का वह 200 तो उपर नहीं सी ठीक है जी 200 या 210 220 ही दस्या गया ठीक है जदों ये फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन धरती ते वधी जिन्हों आप LPG कह दें कैरोसीन आप यूज़ करना शुरू कर उस तो बाद यही लैवल अज 400 है 400 इस करके कर दिता गया पता है कि इनू थले लिया ही नहीं सकते सी ठीक है जिहड़ी मर्जी गुठ नुक्कर से चल जाओ मीटर लैके इस करके कहिंदे जी हुण हैल्दी 400 हो गया ठीक है पर नेचर दे मुताबक जदों असीं धरती तों उपरले फ्यूल यूज़ करते सी उह सी 200 तो 220 लेकिन उहनू इह कह के बंद किया गया सी कि ए पोल्यूशन फैला रही है तो जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए वो PPM लैवल 400 तो उपर चला गया हुण यह आपकी सेंस नाल समझिए कि पोल्यूशन किन्ने फैलाया किन्ने सालों तो लकड़ी मच रही सी किन्ने सालों तो गोबर मच रहा सी इन्ने सालों तो मचण नाल PPM लैवल 200 तो भी सिर्फ 50 साल तो LPG गैस फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन वधी है डबल हो गया लखा करोड़ा सालों तो लक्कड़ मच रही है उहदे नाल इन्ने हज़ारा सालों तो मचण तो बाद वो 200-220 तक गया LPG कंस्यूम हुई है तो वह चला गया है 50 सालों से डबल हो गया ठीक है तो ये असी अपने आप इन आपकी समझ नाल सोचना है कि अग का गोला किने बनाया इस धरती नूं ठीक है तो ये हुण आपां इस टॉपिक ते गल कर रहे हैं बहुत तरह तरह के क्वेश्चन सुनने वाले दे माइंड च भी होणगे इहदे हल नूं लैके भी होणगे मैं उस चीज़ का फिलहाल हल नहीं दे सकता कि मैं तुहानूं कहां कि LPG घरों बाहर कढ दो ना किसे कढ़नी ठीक है लेकिन सवाल यह है कि इस धरती ते असीं जिंदा रहण लई आए हैं जीवन जीउण लई आए हैं इहनूं जिंदा रहण नुमा बनाउण लई जिहड़े असी एफर्ट्स करने हैं वो सानू किते ना किते तो शुरू करने ही पैने हैं तो शुरू करने ही पैने पर आप गल्लां बहुत मार लिया तो आपने हल पहली गल तो यह भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखाया हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या एक हिंदी की कहावत हैगी है आप इत्थे दिखा रहे इन्ना 400 कुछ ये साबित हो जाएगा भी जिते पोल्यूशन ज़्यादा होएगा फ्यूल ज़्यादा फुकदा है उत्थे लैवल बढ़ जाता है नैचुरली है सब तो पहले तो अपने घर आप देखा ना आप देखिए आप रसोई दे उस तो पहले मैं लैवल समझा चाहना दर्शकों हुण दे मुताबक जो दस्या गया 400 तो लैके 1000 PPM तक मीनस 400 इज़ ए हैल्दी लैवल हवा का अच्छी हवा कहिंदे हैगी है 400 तो 1000 वल जाएगा तो एवरेज हवा 1000 तो 2000 तक जाएगा तो पुअर क्वालिटी और 2000 तो उपर जाएगा तो यह लगा लो कि साड़ी जिहड़ी लाइफ है साड़ी बॉडी है उहदी उम्र घटनी शुरू हो गई है खतरे च ठीक है 2000 तो उपर असी मतलब इन्नी हैवी मात्रा च आपदी अंदर कार्बन इकट्ठा कर रहे हैं इन जिथे पॉसीबल ही नहीं हैगा कि तुहाडे शरीर का सैल जीवित ही रह सके 2000 तो उपर का मतलब कि साढ़े शरीर के सैलों के एसिडिक फॉर्म कार्बन लैवल और PH एसिडिक फॉर्म वधेगा कार्बन लैवल वधेगा PH घटेगा और घट PH ते ही कैंसर सैल पैदा होंगे हाइपर एसिडिटी इस कारण वो तो एक छोटी जी चीज़ का नाम लेता तुसी जो अटैक ही साढ़े सैल ते देखो जिहड़ी साह हवा लाओगे फेफड़े तक जाएगी फेफड़े देंगे ब्लड नूं ब्लड जाएगा सैल तक सैल चो गंदगी कट के उन्हें वापस फेफड़े नूं देनी सी बाहर कढ़नी सी लेकिन ये साइकिल हो कि रहा उत्थे हो रहा जिथे ऑलरेडी
जिहड़ा कार्बन का लैवल रैड जोन च है कि उत्थे तुहाडा शरीर सैकल कर रहा होएगा क्योंकि उन्हें कार्बन बाहर कढ के ऑक्सीजन लैनी सी ते उन्हूं जे बाहरों भी कार्बन ही मिलन लग पवे फिर तो तुहाडे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तो सैल की सफाई खत्म सर्कुलेशन ते सैल की सफाई अगर खत्म है तो साडा जीवन भी उत्थे खत्म ये सैकल तो अं समझते हैं ना वैसे ठीक है सो अगे अज आप प्रैक्टिकल कर दें कि आपां किस किस लैवल का किस किस कॉर्नर के माहौल मिलता है जिमें हज़ार तो उपर जाएगा ये बीप कर लग पेगा जिमें क्या देखो बीप कर रहा उपर जाएगा CO2 लैवल बीप करता है और नीचे ये मार्किंग दी है इस टाइम ग्रीन च आ गया हज़ार तो नीचे आ गया तो ग्रीन च आ गया हज़ार तो उपर जाएगा तो ऑरेंज आएगा और जो 2000 क्रॉस करेगा रेड जोन चलेगा ठीक है देखो हज़ार तो उपर चला गया है कितने ना कितने क्योंकि हवा के राही चीज़ा मूव हो रही ने हम फिर बीप कट गई कट तो इस टाइम आप उस जोन च जाने जिथे एल पी जी कंज्यूम हो रही है तो कार्बन के गोले कन्वर्ट हो रही साढ़े घर एक किचन का एरिया एंटर करते सारी बीप चालू ठीक है और जो आप रूम च बैठे सी 400 सी एंटर किते नू जस्ट अजे 30 सैकेंड नहीं होए 1400 के करीब पहुँचने वाला हो गया मीनस एवरेज तो भी उपर एक पुअर क्वालिटी एंटर कर चुके ਸੈਂਤੀ ਸੌ ਚਲਾ ਗਿਆ 3700 ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 4400 ਇਸ ਜੋਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 4700-4600 ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ तो असं अपने किचन के कितना टाइम स्पेंड करते हैं और जदों ये रेड जोन चला गया वह मतलब हो गया तो बेहोशी हालत च होना तू नींद ना आना ज बहुत ज़्यादा आना थोड़े तो अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ का बदना तो बीपी बदना बीपी लो होना हाई होना डिप्रैशन स्ट्रैस इस तो अलावा ये लगा लो भुख की कमी दिल का रोग खून च गंधलापन वो ये रोग उत्थे वधने ही वधने ने जिथे रैड जोन साढ़े दे विच असी साह लैंदे होवांगे गैस ऑन करन तो बाद भी फर्क पैंदा गैस ऑफ है जो सारा दिन एरिया यूज किया गया कुकिंग लिए तो उत्थे 4000 आ गया 4400 आ गया आप ऑन करके देख लो कि ऑन करन तो बाद कितना इफेक्ट पाउंदा लेकिन ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ 4700 ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਕਿਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰ 3000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿਮਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 3000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਣ ਜਦੋਂ ਬਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲਿਆ ਬਾਲ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
उन्होंने एबजॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है नेचर नूं ही। साह दीआं बीमारियां भी इसे करके लगदियां नैचुरली सर, इन्ने रैड जोन दे विच जदों असीं साह लवांगे तां साह दे विच वर्क की है कि तुसीं साह लिया कार्बन कढ़ती तो ऑक्सीजन लै ली, बट तुसीं कार्बन कढ़ी आ ऑक्सीजन होर लैण ली, बट तुहाडे एरिए दे विच तां रैड जोन च कार्बन बाहर पहला ही ऑलरेडी हवा च बहुत मिक्स है, तो कार्बन कढ़ के होर कार्बन कढ़ के होर कार्बन, तो नैचुरली है तुहाडे जिहड़े सैल ने उह एसिडिक फॉर्म च कन्वर्ट होणगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस लैवल वधेगा, फ्री रेडिकल्स वधनगे और फ्री रेडिकल्स वधेगा तो कैंसर वधेगा ही वधेगा। इहो कारण है कि बीमारियां जिहड़ियां ने क्योंकि एसिडिक हो जांदी आ बॉडी जदों तो उदों बीमारियां जिहड़ियां ने उह वध जांदियां ने, उदों पेन भी बॉडी दे विच ज़्यादा हुंदी है, फाइब्रोमैलजिया क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने उस उन्हां दा एक जिहड़ा जिहड़ा कारण हैगा। देखो हर बीमारी जो एक क्रॉनिकल रूप लैंदी है तो वो उस ऑर्गन उस एरिए दे सैल नूं इफेक्टेड करती है, तो जे सैल दा ऑक्सीजन लैवल घटेगा उहदी शील्ड कमजोर होएगी, सैल दी न्यूट्रिशन लैवल घटणगे, उहदा एरोबिक एनरोबिक जिहड़ा लैवल आ उह डिस्टर्ब होएगा, तो नैचुरली गल है उस एरिए दे विच बीमारियां दी जिहड़ी स्टे है उहदा जिहड़ा होल्ड है वह ज़्यादा परसेंटेज हुंदा है, वह बॉडी जिहदे अंदर इस तरह का एनवायरमेंट है जल्दी इनफेक्टेड हुंदी है, जल्दी बैक्टीरियल हुंदी है, जल्दी वह फंगल हुंदी है और जल्दी उहदे शरीर के सैल कैंसर सैल च कन्वर्ट होने लई तैयार होंदी, क्योंकि सारी दी सारी इम्यूनिटी तो वह इधर बॉडी यूज़ कर रही है कि अंदर अंदर जहर जा रहा है हवा के रूप से, तो उन्होंने किवें खत्म किया जाए, बॉडी तो जिंदा रखने की कोशिश करती है, लेकिन जो साडे कोल माहौल होएगा तो फिलहाल क्योंकि आप कार्बन लैवल के उत्ते गल कर देखो हूँ आप ऑफ कर दिता है एक बार लूज जा रहा नीचे जा रहा है कैटिंग तो जो एग्जॉस्ट लैब है वह भी फर्क हाँ वह भी फर्क पैदा है, लेकिन जिथे बंद दरवाजे मिलने और चलेगा उत्थे अप एंड डाउन करता रहेगा, मीनस किचन अगर तुम यूज़ करके हटे हो यूज़ करते टाइम और यूज़ करने के अगले घंटे तक कार्बन का जो लैवल है वो अपन हाई मिलेगा नीचे आता है। हल की है देखो हल दे उत्ते मैं अगर डिस्कशन करा तो मैं नहीं लगता कि उसे कोई गौर कर सकता है। अब लास्ट वीडियो तुसी एक पूछे जो आप यूनिवर्सिटी की गल की सी तो मैं तुम्हें एक आंसर किया कि जे साड़ी रसोई खाना दवाखाना है, रसोई अगर दवाखाना है तो यह मतलब उस रसोई में चलाने वाला साड़ा डॉक्टर होया, ठीक है, तो इतने भी वही चीज़ क्लीयर हो रही है, दवाखाना खराब कर दिता गया तो डॉक्टर भी बीमार होने लग पा, डॉक्टर भी समझ नहीं आया, तो यह सही हल है वो उस घर को चलाने वाली जिहड़ियां भैणां ने मातावां ने उन्हां जिन्ना टाइम असीं होम साइंस नहीं सिखावांगे, नेचर दे सोर्सस खाना पकाउण दे नियम प्रिंसिपल्स जो कुदरत ने बालन दिता वो तो जो इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स कढ़िया उहनूं बालन दे रूप च बदलन दे फायदे नुकसान जिन्ना टाइम ये चीज़ां समझ नहीं आउणगियां, हिडन रूप से सानू बीमारी, हिडन रूप दे विच साडा शोषण, हिडन रूप दे विच साडी उम्र दा घटना, ये इहनूं आपां रोक नहीं पावांगे, ये कोई ये नहीं कि आपां एक इंटरव्यू दे देंगे तो समझ, हाँ इहदा हल अगर असी लैणा है जो अपनी संस्था ने जो असी हुण तक R&D कीती है जिहदे करके असी इत्थे तक पहुँचे हाँ जिहदे करके आपां अज इंटरव्यू बना रहे हैं, इहदा हल नेचर ने जो दिता है वो बायोमास मटीरियल राही दिता होया, ठीक है, जिहदे उत्ते आपां नैक्सट आपां हुण कैबिन च बैठते हैं उहदे ते इक दो चार मिनट डिस्कशन जरूर करते हैं आपां जी, चलो आ गए 3600 ठीक है, हुण हवा दा सर्कल है वो वाधा घटी जांदा है कित नीचे आ रहा कित रहा है, ठीक है, वो अंदर देखते हैं। हुण तुसीं एक चीज़ देखो जदों इहनूं बालोगे इहनूं स्टार्ट करोगे इन्हें स्टैंड नहीं बदना, यूज़ करन तों बाद जदों बंद करोगे क्योंकि जिनी यूज़ हो चुकी है और कार्बन च हौली हौली कन्वर्ट हो रही है दैन फिर जो उस एरिए लैवल वधदा तो रिजेक्ट कर, मतलब ये साबित करता है भी जिथे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी जिथे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा ज़्यादा होएगी उत्थे वधेगा, जिथे इन्हें वध दसना शुरू कर देगा ह्यूमिडिटी भी टैंपरेचर भी तो ये कार्बन की मात्रा भी उत्थे जिथे घट होएगी तो अपने आप घट शो, बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑक्सीजन लैवल कार्बन लैवल सारा दसेगा, तुसी गल सोल्यूशन की कीती सी
बायोमास मटीरियल नेचर ने सोल्यूशन दिता है। देखो सब तो पहला तो कुलवंत जी सानू ये समझ वधानी पैगी कि असी किस तरह के घर च रहना तो उस घर का जो मटीरियल है वह किस तरह का होना चाहिए। मैं सैमीनार लास्ट टाइम ये चैप्टर लिया सी तो एक क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट्स तुहाडे माध्यम राही दर्शकों अगे भी एक सवाल रखूँगा कि अज जिन्निया भी कंक्रीट्स दी बिल्डिंग बनिया हुई ने अगर ये सारिया ढह ढेरी कर दी जान तो साड़ी धरती ते एक मारूथल की लेयर वेचनी है कि उस तो बाद इतों किसी भी बीज का पुंगरना और बाहर आना बंद हो जाना। तो जिथों ये जिहड़ियां कंपनियां ये बना बना के सानू दिंदियां ने डिलीवर कर रही ने सारियां ही फॉरन नू बिलोंग कर दिया ने जिहड़े जिहड़े देशों नू बिलोंग करते हैं उत्थे कित्थे कित्थे कंक्रीट हाउस बने ने ये भी असीं वॉच करिए। सीमेंट नू बनाया गया सी फ्लाईओवर ब्रिज बनाने वास्ते ठीक है ता जो एक स्ट्रोंग चीज़ बन सके। साडा देश साडा एटमोसफेयर साडा मौसम ये अनुकूल नहीं है कि तुसी चट्टान एक पत्थर दी चट्टान दे अंदर रहो। अज पहला तो असी कंक्रीट खरीदया फिर उन्हू वरत्या घर बनाया फिर उन्हू सोहना बनाने लई उहदे उत्ते होर कैमिकल दी लेप चढ़ाई फिर उन्हू होर सोहना बनाने लई उहदे उत्ते असी रंगदार लेप चढ़ाई और जदों वो तपया फिर असी एसी लैके आए जो एसी चलिया अंदर ठंडा तो बहर उन्हें अग सुटी गैटिंग। तो साइकल सानू समझ आना जरूरी हैगा। अज जे असी अमेरिका कनेडा न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया की गल करिए बायोमास मटीरियल जिन्ना वधिया उन्हां लोकां ने यूज़ किया हालांकि उन्हां कोल सोर्सिस घट ने बायोमास मटीरियल दे साडे कोल बहुत ज़्यादा ने। अगर मैं बायोमास मटीरियल की गल करा तो अगर यदि समझ आ जाए तो मैं चीज़ दावे नाल ऑन कैमरा कह रहा साडे देश दे जिहड़े पिंड ने वो पहले नंबर ते आउणगे क्योंकि गोबर भी उत्थे हैगा क्योंकि उत्थे सनलाइट उत्थे वधिया हैगी है हवा भी बड़ी वधिया हैगी उत्थे तीनों। हाँ उहदे च बायोमास मटीरियल का मतलब हुंदा है वो हिस्सा जिन्हों असी वेस्ट भी मन रहे हैं और वो नेचर तो ही आया होया है देसी गां दा गोबर कख कान पराली जिन्हों एडा वड्डा मुद्दा बना लैंदे सी ठीक है। ये सारे सारा बायोमास मटीरियल है ये नाल असी अपना बिल्डिंग मटीरियल खुद तैयार कर सकते हैं। जिस जिमीदार कोल मिट्टी है देसी गां दा गोबर है पराली है एक उन्नू बाजार जान दी लोड़ नहीं कंक्रीट तो भी सोहना घर सोहनी कोठी बना सकता है ठीक है। चलो ये एक अलग सबजैक्ट थोड़ा चल जाता है लेकिन जदों असी बायोमास मटीरियल वाल मूव करांगे ना तो साडे कोल साडा आपदा ईंधन आपदा बालण अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। वो बालण जिस ते पूरे दुनिया ते राज करन लई कब्जा किया जाता है। अज असी जिन्ना मर्जी कह लिए जी असी स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करना प्रोडक्ट स्वदेशी यूज़ करना साड़ी करंसी च कोई इफेक्ट नहीं आना क्यों क्योंकि उस प्रोडक्ट नू बनाने लई जिहड़ी बिजली लगनी है वह पैदा करन लई जिहड़ा फ्यूल लगता है सारा उधरों आंदा हैगा। साडे घरां दे विच जो चीज़ पकड़ा हैगा वो एल पी जी जो यूज़ हुंदी है सारा ही उधरों आंदा हैगा। हर चीज़ साढ़े गड्डिया के जो डीजल पेट्रोल पैना है सारा उधरों आता है। तो ईंधन के उत्ते कब्जा ही पूरी पूरे विश्व पर कब्जे का एक फार्मूला हैगा। तो जे असी अपना देश आज़ाद करवाना है ना सब तो पहला आपदा ईंधन पैदा करना पड़ेगा। तो आपदा ईंधन हैगा आपदा बालन हैगा साढ़े को देसी गोबर
हाँ देसी गां का गोबर मैं वर्ड इस करके यूज़ किया कि जो इस बिल्डिंग मटीरियल यूज़ करा तो उसे देसी गां का गोबर ही क्वालीफाई होंगे ठीक है वो क्यों होंगे वो आप नैक्सट वीडियो क्लीयर करा वो थोड़ा लंबा सबजैक्ट है ठीक है आपदा बालन और लक्कड़ ठीक है हुण जदों आपां लक्कड़ दी गल करदे आं तां उत्थे इक होर गल शुरू हो जांदी जिहदे नाल जी लक्कड़ खत्म हो रही है ठीक है बट लक्कड़ जे तुसीं आपां 10 लक्कड़ां यूज़ कीतियां ने तां 20 लगा सकदे आं हल है ठीक है पर फॉसिल फ्यूल्स नूं यूज़ करके और लक्कड़ ऑलरेडी वढ़ के धरती नूं गोला तां नहीं बणावांगे आपां ठीक है जिहड़ा कि इस टाइम कार्बन का गोला बनया होया सो इहदा हल इन्ना सौखा तो नहीं लेकिन अज की वीडियो बनाने का जिहड़ा एक जरिया है वो यही है कि इस कार्बन का गोला जिहड़ा जिहड़े घर नूं असीं फुली एसी कीता होएगा जिहड़े घर नूं असीं बहुत बखूबी पेंट नाल शिंगारिया होएगा जिहड़े घर दे अंदर असीं बड़ी अच्छी टाइल्स लगाई होएगी जिहड़े घर नूं असीं दो मंजिला बनाया होएगा जिहड़े घर दे अंदर अच्छा मार्बल ग्रेनाइट यू लगाया होएगा वो घर साडा कार्बन का गोला बनया होया इस गल वल साडा ध्यान आ सके अज दी वीडियो नूं बनाउण दा मकसद अपना ए सी हल सोल्यूशन इन्ना वादा करदा कि अगलियां आने वाली वीडियोज़ जिहड़ियां असीं इस टॉपिक ते आपां बनावांगे उन्हां च सोल्यूशन डिलीवर करके छड्डांगे और गल्लां नाल नहीं प्रैक्टिकली करके छड्डांगे ठीक है और प्रैक्टिकली प्रूफ भी करांगे और जिन्हों कोई शंका है वो साडे उस चीज़ नूं विजिट करके वेख के यूज़ करके देख भी सकेगा कोई असी कोई कुछ सेल करने वाला प्रोडक्ट नहीं बना रहे है सब तो पहला जे इस चीज़ नूं डिटेक्ट किया है तो सब तो पहला असी इहदा हल लभीए ये एफर्ट्स असी अपनी लाइफ लिए करना शुरू कर रहे हैं मीनस जे इस चीज़ की समझ मैनू आई है जे मैनू पता लगे कि मेरे किचन दे विच कार्बन लैवल CO2 3000 PPM तो ज़्यादा है तो सब तो पहला मैं तुहानू दसां सब तो पहला मैं दुनिया नूं दसां मेरा फर्ज बनता सब तो पहला मैं अपनी फैमिली ते बच्चों नूं सेव करा उहदे लई एफर्ट्स पहला करांगे उहदे लई सोर्सेस क्रिएट करांगे भी उस तो बाद इसे ही मीटर नाल इसे ही कैमरे ते इसे चैनल ते आपां दिखावांगे भी आ है मेरा वह घर जिहड़ा असीं दुनिया नूं वेख के सिख्या बनाया ते बिल्डिंग खड़ी कीती आ है वह घर जिहड़ा असीं वापसी घर वापसी ला लो नेचर तो समझ के नेचर तो दे असूल प्रिंसीपल समझ के बनाया हुण उहदे च कार्बन लैवल चैक कर लो तो इहदे च कार्बन लैवल चैक कर लो कैटिंग नाले वो बालन भी बाल के दिखावांगे सो कहने का मतलब है तुसीं उन्ना टाइम किसी का मिठा बंद नहीं करा सकते जिन्ना टाइम तुसीं अपना बंद नहीं करते तो मैं भी इस चीज़ पर विश्वास रखता इसे करके अपनी संस्था का शुरू तो रूल से कि उही इंसान साडा प्रमोटर बन सकता जिन्हें जां तां अपनी बॉडी पर काम किया हो एलोपैथी नूं घटाउण लई ते जां अपने परिवारक मैंबर ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਛਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ
ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸੁਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੇ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਸੋਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।